जो आंकड़े जो हम लोग सामने जो आए, बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान में, यहाँ बेरोजगारी में बिहार नंबर वन है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर वन हो चुका है। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, उसमें बाकायदा ट्वीट में इसका जिक्र भी किया गया है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध में बिहार नंबर वन है, इन सारी चीजों में जब बिहार नंबर वन है और ये 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बिहार में भी, फिर भी लगातार जो है हर चीज में जो नकारात्मक चीजें हैं जिससे जनता को मुक्ति चाहिए, उससे जो है मुक्ति जनता नहीं पा पा रहा। यानी नीतीश कुमार जी पे साफ इनके सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है और ये तो आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए। अब कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन आंकड़ों को तो झुठलाया नहीं जा सकता। जो सच्चाई है उसको हमने बात को अपना रखा है और पूरी तरीके से हम बार बार बोलते रहे हैं नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया, इनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं और जो भाजपा के लोग हैं ये लोग सत्ता के लोग भी हैं, इनको जनता से कुछ नहीं लेना देना, केवल अपने को सत्ता में बैठ के मलाई कैसे खाना है इन्हीं कामों में ये लोग लगे हुए हैं। दिलीप केसरीवाल बोल रहे हैं कि आप मंदिर में आइए कसम खाइए कि आपने कसम नहीं खाई। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा आप पर दबिश बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे तो पहले का ही मामला है भाई, वो तो प्रोसीजर होता है, चार्जशीट होता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट होता है, इसके बाद कोर्ट जो है समन करेगा, समन करा करके बिल लेना होगा। तो यही तो जो प्रक्रिया है ये तो है ही ना, इससे पहले भी कई बार किया गया। हालांकि न्यायालय का मामला जो है न्यायालय में रखा जाता है और मजबूती के साथ हम लोग जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। दिलीप जसवाल आपको मंदिर में आने की चुनौती दे रहे हैं, मंदिर में और कसम खाएं कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, भ्रष्टाचार कसम खाएंगे। 18 महीना हम रहे डिप्टी सीएम 2015 में, 21 में 22 में जब हम बने तो 17 महीने में कौन सा भ्रष्टाचार किया था बता दें, किस चीज का भ्रष्टाचार किया लोग बताए तो क्या भ्रष्टाचार किया है। 17 साल से बैठे हुए वो तुम लोग को यही नहीं पता कि हम भ्रष्टाचार क्या किए, पहले ये तो बता दें। खैर जो भ्रष्टाचारी है ये लोग तो उन लोगों के संरक्षक है, जो अपराधी है ये उन लोगों के संरक्षक है, तो इन लोगों से क्या बहस किया जाए। और हम मंदिर में जाने की बात तो अलग है, कहीं जाना हो कुछ भी हो, लेकिन हम तो अपने कोर्ट में अपना पक्ष तो रख ही रहे। अजी भाजपा को इससे क्या दिक्कत है कि अंतिम फैसला तो कोर्ट ही पर कांग्रेस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चुन दिया गया ऐसा कहा जा रहा है। लगातार बिहार में चुनिंदा मंत्री जो है, जो चुनिंदा जो मंत्री है उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है। यानी ये तय हो गया कि मंत्री भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे, तो सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। लेकिन कई ऐसे दलित नेता हैं, कई ऐसे पिछड़े नेता हैं जिनको सुरक्षा नहीं दी गई है। क्या श्रवण कुमार जी को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए था? क्या सदा जी को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए था? जो कबरू जामा जो मंत्री हैं अच्छे समुदाय से आते, क्या उनको जमा खान को क्या वो नहीं मिलना चाहिए था सुरक्षा? तो सवाल तो पैदा होता, चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता, ये क्या बात है? सर एक सवाल तो ये हो रहा है कि जनता जो है मारी जा रही है और ये लोग जो है आपस में सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। सर एक सवाल है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी का अलायंस हुआ है, भाजपा को क्या दिक्कत इससे हो रही है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और एनसी का अलायंस हुआ है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का, इसमें भाजपा सवाल खड़े कर रही है, राहुल गांधी चाहते क्या है? जब वो पीडीपी से किए थे तो अच्छा था ना, क्या इन लोग कोई लॉजिक नहीं है।